यहाँ बीजेपी की भी बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, किसानों के हित में क्या काम किया है? कुछ नहीं सर, यहाँ वैसा कुछ किसान का हित में कुछ कामें नहीं हुआ है। अच्छा, गंगोत्री विधायक बने थे उसको तो अगले बार जितवाए थे कि चलो कुछ लाभ मिलेगा, उसका तो हम लोग चेहरा नहीं देखे। अच्छा, चेहरा तक नहीं देखे गंगोत्री का, ठीक है। उसके बाद में फिर इधर बंधु को सपोर्ट किए, बंधु का भी वही हाल है, समझे ना। तो विधायक बनने के बाद लोग आते ही नहीं? नहीं, कभी आज तक नहीं। इतना हम लोग का खेती बर्बाद हुआ यहाँ बूढ़ा कुखरा में, आज तक हमको लगता है कि आज तक नहीं आया है। कभी आप लोग अपना समस्या को लेके गए हैं? गए उनके पास? गए हैं, यहाँ भी दिए मंडर में, बोला हाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिला सर। कहा मिलेगा, कुछ नहीं मिला। आप अभी बोल रहे थे कि बहुत बार आप लोग का फसल जो है वो बर्बाद हुआ है। हमको लगता है ना सर, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, 3 साल हम लोग की मतलब मार खाए। अच्छा। 2 साल तो इतना जबरदस्त मार खाए ना कि हम लोग नए सोच रहे थे कि मतलब खड़ा हो पाएंगे। अच्छा, अब इस बार देखिए हम लोग भी सोचते हैं कोई अच्छा सरकार बन जाए, कुछ तो मतलब लाभ दे, यही सोच तो रखते हैं। तो इस बार जो है आपके विधानसभा में गंगोत्री कुजूर भाजपा से हैं, बंधु तिर्की कांग्रेस से हैं, और देव कुमार धान जी जो है वो MIM जो है ओबीसी जी के पार्टी से हैं। ओबीसी पार्टी से? हाँ। देखिए सर, हम लोग तो किसी को तो मानते नहीं है, हम लोग का ये है बस काम जो सही करे मतलब उसी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, समझे ना, हम लोग ये मेरा पार्टी है वो है वैसा हम लोग लेके चलते नहीं है, बस काम सही होना चाहिए। लेकिन इन तीनों में से, तीन तो नहीं कहेंगे, खास करके बीजेपी से गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस से बंधु तिर्की रहे हैं। हाँ, मतलब लेकिन आपका कहना है कि ये दोनों ने क्षेत्र के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया? चुन के भी देखे बंधु तिर्की को भी, गंगोत्री को भी देखे, अब इस बार देखते हैं। अगर देव कुमार धन थोड़ा सा अगर कर देंगे है तो अच्छा रहेगा। यहाँ कितने लोग होंगे जो खेती से जुड़े हुए हैं? यहाँ का जान रहे ना सर, पूरा ही है। अच्छा, यहाँ पूरा आप देखिएगा ना, गाँव में सब मतलब खेती ही से ही जुड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि गर्मी के दिनों में अभी देख रहे कि आप लोग का खेत में शिमला जो है, शिमला का फसल हुआ है, तो सिंचाई आप लोग कैसे किए जबकि नदी सूखा हुआ है, यहाँ एक भी कुआं नहीं है? परेशानी होता है सर, वही कोड़ के मतलब क्या बोले, जैसे लोग कोड़ते हैं नदी सिंचाई करते हैं, वैसा कोई साधन नहीं है। मतलब नदी सूखा हुआ, नदी को ही बालू हटा कर, बालू हटा कर ही हम लोग मतलब पटवन करते हैं। अच्छा, वहीं से सिंचाई करते हैं। जहाँ तक मांडर का सवाल है, मांडर में भी बेरोजगारी है, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि यहाँ कृषि आधारित उद्योग का विकास किया जाए। बड़ी मात्रा में पेड़ों से लेके मांडर ये सब में टमाटर उत्पादन होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग टमाटर फेंक देते हैं, खरीदने वाला देखते हैं, 1 रुपए किलो भी टमाटर यहाँ पर बिका है। तो कुछ ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाए, कृषि आधारित उद्योग लगाए जाए, ताकि यहाँ के किसानों को उनका उत्पादन लागत भी हो और यहाँ के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल सके। और हमने कहा है कि औद्योगिकरण के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि रांची से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, स्टील का रोलिंग प्लांट वगैरह लगाया जा सकता है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके।